इस शख्स ने एक नया राज्य बनवाने के लिए 58 दिन किया अनशन और जान दे दी। भारत में 16 मार्च 1901 में मद्रास में पोटी श्रीरामलु नाम का बच्चा आम परिवार में जन्मा। इस बच्चे ने आम जन की तरह ही पढ़ाई कर रेलवे में नौकरी पाई। साधारण श्रीरामलु गांधी जी के अनुयायी थे। रेलवे में नौकरी के दौरान ही श्रीरामलु पर महात्मा गांधी के विचारों का इतना प्रभाव पड़ा कि 4 साल में ही नौकरी छोड़ साबरमती आश्रम चले गए। पोटी ने 1930 में नमक सत्याग्रह, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल की सजाएं भोगी। उन्होंने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य मद्रास से अलग बनाने की मांग पर आमरण अनशन किया। देश में भाषा के आधार पर राज्य बनने के फैसले के पीछे उनकी मौत बड़ी वजह सिद्ध हुई। पोटी श्रीरामलु का नाम भारत के क्रांतिकारियों में गिना जाता है। इन्होंने आंध्र प्रदेश को राज्य बनाने की मांग को लेकर 58 दिन अनशन पर रहे थे और फिर वहीं दम तोड़ दिया था। पोटी श्रीरामलु 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन पर बैठे थे। अनशन के 56वें दिन रामलु कोमा में चले गए थे। 2 दिन वे कोमा में रहे, फिर सांस लेने में परेशानी के बाद 58वें दिन 15 दिसंबर 1952 को उन्होंने दम तोड़ दिया था। 15 दिसंबर 1952 को रामलु की मौत के 4 दिन बाद भारत सरकार ने मद्रास से अलग आंध्र प्रदेश बनाने घोषणा कर दी थी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्रा का गठन हुआ। दूसरी बार 1 नवंबर आंध्रा का गठन 1956 को फिर हुआ, जिसकी राजधानी हैदराबाद बना। श्रीरामलु को आंध्र के गांधी मेमोरियल फंड के निदेशक के पद पर भी नियुक्त किया गया था। पोटी ने आंध्र प्रदेश बनने की मांग के लिए किए अनशन से पहले भी नगर नीलौर में हरिजनों के मंदिर में प्रवेश के लिए 23 दिन अनशन कर सफलता पाई थी। इन्हें आंध्रा का पिता भी कहा गया। कहा जाता है कि इनका समर्पण देख गांधी जी ने इनके लिए लिखा था, अगर मेरे पास श्रीरामलु की तरह 11 समर्थक और होते तो भारत को ब्रिटिश शासन से 1 साल में आजादी मिल जाती।